मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग रूट पढ़ लिए, स्टेम पढ़ लिए, लीफ पढ़ लिए और नीड के अनुसार उसका मॉडिफिकेशन भी पढ़े हैं हम लोग, जो 11th में नहीं पढ़ना है। तो अब इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर सीड फ्रूट है ना, तो आज हम लोग पहले इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, है ना। तो चलिए जल्दी शुरू किया जाए इसको। इन्फ्लोरेसेंस छोटा चैप्टर है, चैप्टर तो खैर बड़ा है, लेकिन एनसीईआरटी जितना कह रहा है उस हिसाब से हम लोग पढ़ना चाहिए, है ना। ज़्यादा पढ़ने कोई फायदा नहीं है। तो इन्फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के एक्सिस पर फ्लावर के अरेंजमेंट। यहाँ एक बहुत बात बड़ी है ना, कुछ कुछ किताब में भी लिखा है क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, एक फ्लावर भी इन्फ्लोरेसेंस हो सकता है और क्लस्टर ऑफ या ग्रुप ऑफ फ्लावर्स भी इन्फ्लोरेसेंस हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को इन्फ्लोरेसेंस नहीं कहेंगे हम लोग, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे ही रहता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, नहीं कि ग्रुप ऑफ फ्लावर को, ना? जैसे ये एक प्लांट है, नोड्स हैं, यहाँ नोड्स पर यहाँ फ्लावर्स निकले हैं, ठीक है ना। यही है ये एक्सिस जिससे फ्लावर निकले हैं, इसका नाम है पीडंकिल, है ना। और इस फ्लावर के डंठल को हम लोग कहते हैं पेडिसल, हो गया, ठीक है। अब इन्फ्लोरेसेंस देखिए, प्लांट बियरिंग सिंगल फ्लावर, एक प्लांट सिंगल फ्लावर बियर कर रहा है और फ्लावर्स सिंगली या अकेले अकेले, सिंगली मतलब अकेले अकेले फ्लावर बियर कर रहा है, इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग कहेंगे सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। सॉलिटरी का मतलब होता है निर्जन, अकेला इन्फ्लोरेसेंस, है ना। देखिए एक प्लांट है, ये पॉपी का प्लांट है, अकेले फ्लावर बियर करता है टिप पर, इसको कहेंगे हम लोग सॉलिटरी एक्जिलरी, है ना। ये सॉलिटरी टर्मिनल टिप पर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉलिटरी टर्मिनल। ये एक प्लांट है चाइना रोज का, फ्लावर लीफ का ऐसा बनाइए, है ना। इसमें फ्लावर ग्रुप में नहीं रहता है, ये फ्लावर देखिए यहाँ एक फ्लावर निकला हुआ है, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, देखिए यहाँ एक फ्लावर निकला हुआ है, फ्लावर्स इसमें बहुत हैं लेकिन सभी अकेले अकेले हैं, लीफ के एक्जिल में निकला है ये, इसलिए ये हो जाएगा सॉलिटरी एक्जिलरी।
एगिल के बारे में बताए थे कि ये लीफ और स्टेम के बीच का एंगल जो है ना एक्जिल कहलाता है, बर्ड निकलेगा तो एगिलरी बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड होगा तो स्टेम बना देगा, फ्लोरल बर्ड होगा तो फ्लावर बना देगा। तो ये एक्जिलरी बर्ड फ्लोरल बर्ड था, फ्लावर बना दिया। तो इस तरह का टिप पर एक फ्लावर निकलता है तो अभी वो इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा सोलिटरी, अकेले अकेले फ्लावर निकलता है ना सिंगली तो अभी वो इन्फ्लोरेसेंस होगा, उसको हम लोग कहेंगे सोलिटरी एक्जिलरी और सोलिटरी टर्मिनल। ठीक है, अब तो लगता है फिर मिटाना पड़ेगा हमको, है ना, तो मिटा रहे हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे इसमें है ना ग्रुप ऑफ फ्लावर निकलेगा तब क्या कहेंगे उसको हम लोग, है ना। अब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ये दिमाग में रखनी पड़ेगी, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को ही इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, नहीं कि ग्रुप ऑफ फ्लावर को। देख रहे हैं आप लोग एक फ्लावर है वो भी इन्फ्लोरेसेंस हो गया है ना, और ग्रुप ऑफ फ्लावर रहेगा वो भी इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ प्लांट्स को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ फ्लावर। एक प्लांट एक्सिस पर बहुत सारे फ्लावर निकले हुए हैं, मतलब पीडंकिल पर, है ना। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ऑन द पीडंकिल, है ना, इसको दो भागों में बांट लीजिए। एक है रेसिमोस, और दूसरा है साइमोस। ठीक है ना, रेसिमोस का कैरेक्टर देखिए, ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस, इनडेफिनेट अनिश्चित, इनडिटरमिनेट भी कहा जाता है उसको। फ्लावर्स आर बॉर्न, फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, फ्लावर्स बगल में निकलेंगे लेटरल पोजिशन में, है ना, इन एक्रोपीटल सक्सेशन। कौन सा क्रम होगा वो? एक्रोपीटल सक्सेशन, जिसका मतलब होता है ना लोअर फ्लावर्स ओल्डर, अपर फ्लावर्स यंगर, नीचे वाला फ्लावर पुराना, ऊपर वाला फ्लावर नया। यहाँ हम बना रहे हैं फिगर, ये हो गया पीडंकिल या एक्सिस हो गया प्लांट का, यहाँ फ्लावर निकल रहे हैं, है ना, और ये फ्लावर पुराना फ्लावर नीचे, नया फ्लावर ऊपर, है ना। देखिए पुराने फ्लावर नीचे रहेंगे ऊपर रहेंगे, मेन एक्सिस का ग्रोथ यहाँ होता ही जाएगा, जब तक इसका लाइफ स्पैन है तब तक ये ग्रो करेगा। बगल से फ्लावर निकलेंगे एक्रोपिटल सक्सेशन में, मतलब कि लोअर फ्लावर्स पुराने होंगे और अपर फ्लावर्स नए होंगे, है ना। और इसका कॉमन एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ठीक है ना।
अब ये जो है ना पांच सात तरह का है, रेसिम, स्पाइक, स्पाइकलेट, कैटकिन, अम्बिल, कोरिम्ब, हेड, वो सब डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी फालतू लोड लेकर नहीं चलना है। जितना है वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं उससे, तो हम बेकार काहे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। वैसे हम साइमोस में देखिए इसका करेक्टर, ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस, ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस, ये डेफिनेट निश्चित होगा, है ना। क्यों? मेन एक्सिस बियर्स ए फ्लावर, एक फ्लावर एंड टर्मिनेट्स इट्स ग्रोथ। मेन एक्सिस के टिप पर एक फ्लावर निकल आएगा और उसका फ्लावर का मेन एक्सिस का ग्रोथ वहीं पर खत्म हो जाएगा, मेन एक्सिस के टिप पर। मेन एक्सिस बियर से फ्लावर एट टिप, एंड टर्मिनेट इट्स ग्रोथ। अब लैटरल ब्रांचेज, लेकिन बगल से ब्रांच तो प्लांट जब तक जिंदा रहता है ग्रो करता ही रहता है, तो लैटरल ब्रांचेज एराइज, बगल से ब्रांच निकलेंगे, है ना, एंड ऑल्सो टर्मिनेट्स बाय बियरिंग ए फ्लावर, और वो भी एक फ्लावर बियर करके समाप्त हो जाएंगे। ये मेन एक्सिस हो गया, एक फ्लावर, ये स्टेम है यहाँ तक, ये फ्लावर हो गया, एक फ्लावर बियर करके समाप्त हो गया, है ना। अब यहाँ से ब्रांच फिर निकलाइए, लेकिन ये ब्रांच भी फ्लावर बियर करके समाप्त हो गया, ब्रांच निकला फ्लावर बियर करके समाप्त हो गया, है ना। ये भी तीन तरह का है, यूनिपेरस या मोनोकेजियल, बाईपेरस डाइकेजियल और मल्टीपेरस पॉलीकेजियल। एट ए टाइम एक ब्रांच निकलेगा यूनिपेरस, दो ब्रांच निकला है ये बाईपेरस से, तीन ब्रांच निकलेगा ट्राईपेरस, है ना। नहीं पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ से दो ब्रांच निकला है तो यहाँ से भी दो ब्रांच ही निकलेगा, फिर फ्लावर बियर करके समाप्त हो जाए। यहाँ से भी दो ब्रांच ही निकलेगा और फिर फ्लावर बियर करके ये समाप्त हो जाए। यहाँ से ब्रांच निकलेगा तो दो ही निकलेगा, है ना। इसका एग्जाम्पल है डायंथस, निक्टेंथस, जैस्मिन, काइलोट्रोपिस मदार, ये सब इसके एग्जाम्पल। काइलोट्रोपिस है ना, वो पोली के जेल है, तीन ब्रांच एट ए टाइम निकलता है वहाँ से, ठीक है। तो ये रहा सब इन्फ्लोरेसेंस, क्या पर्पस है इस सबका, पर्पस यही है कि जितना ढंग से लगा रहेगा फ्लावर उतना ही उसमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो पोलिनेशन में उसको कीट हेल्प करेगा, कीट आएगा उसके पास और हेल्प करेगा, है ना। तो इन्फ्लोरेसेंस
मिंट फॉर अट्रैक्टिंग पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स को, कोई भी पोलिनेटर हो, कीट हो या कोई, अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करता है, ठीक है ना। अट्रैक्टिंग पोलिनेटर्स है ना, फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन है तो वो अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर गुच्छे में लग रहते हैं या फ्लावर ग्रुप में लग रहते हैं या जो भी हो, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट इन्फ्लोरेसेंस, डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग, और अब सीधे फ्लावर पर आएंगे हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग फ्लावर देखेंगे, ठीक है। टाइम थोड़ा कम मिल रहा है इसलिए नहीं वीडियो रेगुलर हो रहा है ना, ठीक हो जाएगा सब।